गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों अगर आप लोग पास Realme 9 Pro Plus डिवाइस है तो आप लोग को ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहां पे अपडेट के सीजन में आप लोग के स्मार्टफोन में एक नया अपडेट जुड़ने वाला है, वो है Android 13 का जो आ रहा है Realme 4.0 के साथ। आखिर इस अपडेट में जो बीटा वर्जन आया है इसको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आखिर इस बीटा वर्जन में कितने सारे बग्स आए हैं या फिर आपका ये स्टेबल वर्जन में कब आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, तो सारी बात इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी Realme 9 Pro Plus डिवाइस के बारे में। दोस्तों Realme 9 Pro Plus डिवाइस के स्टेबल अपडेट की बात करूं तो यहां पे अभी तक रन कर रहा है Realme 3.0 बेस्ड ऑन Android 12। यहां पे दोस्तों Android 13 का अपडेट आपको ट्रायल वर्जन वाला देखने को मिल चुका है और अभी बीटा वर्जन वाला भी देखने को मिल चुका है। लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये अपडेट तो आ चुका है, फिर ये अपडेट का इंतजार क्यों हो रहा है। दोस्तों देखो यहां पे अपडेट तीन तरीके से आते हैं। सबसे पहला स्टेप है ट्रायल वर्जन, दूसरा है बीटा वर्जन, तीसरा है आपका स्टेबल वर्जन। ट्रायल वर्जन क्या होता है कि डेवलपर्स आपको ये अपडेट डिजाइन करके आपके स्मार्टफोन के लिए लॉन्च कर देती है, लेकिन दोस्तों ये कुछ ही लोगों के लिए होती है। जो लोग इस पार्टनर प्रोग्राम में होते हैं ट्रायल वर्जन का, जो अप्लाई करके रखते हैं उनको ही अपडेट प्रोवाइड किया जाता है, ये सबको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कि जो ट्रायल वर्जन लिए रहते हैं तो वो लोग फीडबैक देते हैं और कंपनी जो है उससे डेवलप करती है, फिर से उस बग का सुधार करती है, फिर से इसे अपडेट को रोल आउट किया जाता है। उसका नाम होता है ओपन बीटा वर्जन। और यहां पर ओपन बीटा वर्जन में क्या होता है कि बग्स तो इसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरे सारे बग्स क्लियर हो गए, ऐसा नहीं है। ये ओपन बीटा वर्जन जो है आपको पब्लिकली देखने को मिलता है, यानी कि इसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है और आप कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। दो दिनों से आपको ओपन बीटा वर्जन वाला अपडेट देखने को मिल रहा होगा आपके 9 Pro Plus डिवाइस में। आखिर इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी? तो मेरा सीधा जवाब यही है दोस्तों कि आपको ये अपडेट इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आखिर ये अपडेट क्यों नहीं इंस्टॉल करना चाहिए? दोस्तों यहां पे इसके बग्स जो है ना आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, तो मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को यहां पे आपके सामने रख रहा हूं जो कि बहुत सारे लोगों को देखने को मिला है। नंबर वन कि आपके स्क्रीन का ओवर सैचुरेटेड होना, यानी दोस्तों यहां पे इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हो जाता है, जिस कारण से आप जो इसमें कुछ भी देखते हो ना तो आपको एकदम सब चीजें पीली पीली लगती है, तो आपको यहां पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल को रिस्टार्ट करने के बाद ये कुछ देर के लिए चला जाता है, फिर से ये प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि आते जाते रहता है, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है। नंबर टू, यहां पे आपको इसके बैटरी को लेकर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहां पे बैटरी जो है 25-30% तक कम बैकअप देने लगा है, यानी इस ओपन बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद आपका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो सकता है। ये नहीं कि पूरा एकदम कम हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये डेफिनेटली ये कम हो जाता है। तो तीसरी प्रॉब्लम जो कि मेजर लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है वो है इसका कैमरा का डाउनग्रेड होना, यानी अगर आपकी इमेज की क्वालिटी देखोगे इसमें इमेज प्रोसेसिंग यहां पे डाउनग्रेड हो चुका है। यहां पे इमेज प्रोसेसिंग के बाद आपको जो इमेज आती है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है यूजर्स को, क्योंकि इसके पहले वाले इमेज जो है वो काफी ज्यादा तगड़ी आती है। इसके बाद आपको यहां पे टच में भी प्रॉब्लम आ सकता है। यहां पे दोस्तों आप अगर टच करोगे तो 2-3 सेकंड बाद ये टच होता है। यहां पे कभी-कभी होता है कि आप अगर टच करोगे कुछ तो टच हो जाता है कुछ। यहां पे बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और जो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिला दोस्तों उसके फिंगरप्रिंट के साथ देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों को इस अपडेट के बाद फिंगरप्रिंट काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन में ये फिंगरप्रिंट अगर काम भी कर रहा है तो वो बहुत लेट से काम कर रहा है, मतलब आप प्रेस करके रखोगे 2-3 सेकंड बाद तब आपका फोन ऑन होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स इस अपडेट के बाद आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। तो मैं डेफिनेटली आपको कहना चाहूंगा कि इस ओपन बीटा वर्जन को आप लोग इंस्टॉल ना करें। आगे आपकी मर्जी, अगर आप लोग अपना मतलब खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। अब सो बात आते हैं कि आखिर ये स्टेबल वर्जन कब से देखने को मिलेगा। दोस्तों ये स्टेबल वर्जन जिसका आखिरी चरण होता है, ऐसा नहीं है कि स्टेबल वर्जन में बग्स नहीं होते हैं। स्टेबल वर्जन में बग्स होते हैं लेकिन वो छोटे मोटे बग्स होते हैं जो आपको बाद में सुधार कर दिया जाता है। आप स्टेबल वर्जन आखिर ये इंस्टॉल कब से कर सकते हो आप लोग? जो बीटा वर्जन आया ना, तो जो लोग टेस्ट कर रहे हैं वो बीटा वर्जन के लिए जो फीडबैक जाएगा कंपनी वहां पर उसे डेवलप करने के बाद फिर से ये अपडेट देगी जो आएगा स्टेबल अपडेट। और इस प्रोसेस में आपको 1-1.5 महीने का टाइम लग जाता है। आप मिनिमम मानो कि 1 महीने का आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पे। यानी बात यही कि आपको ये अपडेट दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक से आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आप दोस्तों इस वीडियो में समझ गए कि क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल बना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।